हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन देयर. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर विच वी वर कंटिन्यूइंग यस्टरडे, चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, हाउ एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म वेल. एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में. लेटर आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर ओवर 30 हॉर्मोन्स इन अवर बॉडी. हम हंग्री फील करते हैं, हम स्लीपी फील करते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कोई डक्ट में रिलीज नहीं होते हैं, सीक्रेट नहीं होते हैं, तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने लगते हैं. तो जहाँ पर भी ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेट साइट. सो लेटर, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर. सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है? ये एड्रेनलिन एक जो हार्मोन होता है इसको रिलीज करती हैं. इसके वजह से कोई भी पीपल, कोई भी बॉय, गर्ल एट्सेट्रा, एनी ह्यूमन जो कि एंग्री और एफ्रेड यानी कि गुस्से में आ जाना या फिर डर जाना, ये सारे किस हार्मोन की वजह से होता है? एड्रेनल. ओके, द पेनक्रियास सीक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन. जो पेनक्रियाज होते हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन. ओके, जो कि हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ शुगर जो भी होता है उसको रेगुलेट करते रहते हैं इन अवर ब्लड. नेक्स्ट वन इज़ द थायराइड ग्लैंड. ये आपने पढ़ा होगा द थायराइड ग्लैंड. ये क्या करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ पाती है. ओके, ग्रोथ हो पाती है. द ओवरी इन फीमेल्स प्रोड्यूसेस द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड ओएस्ट्रोजन. ओवरी जो होती है वो फीमेल में एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ओएस्ट्रोजन. और जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं. और इनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, यस यू ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर. Now next one is the pituitary gland produces several hormones that control water balance, growth and also the release of other hormones. जो pituitary gland होती है वो आपके सारे hormones को control करती है, चाहे वो water balance हो, growth हो या फिर other hormones हो. The growth hormone जिसको कहते हैं GH, what do we call? GH stimulates growth and development in the body. हमारे बॉडी में क्या क्या ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? TSH स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन. जो TSH होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो सके. अदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट दैट the testes and ovaries to produce testosterone and oestrogen. Okay, the pituitary gland is also called the master gland. ये आप learn रखिएगा, pituitary gland is also called master gland क्योंकि ये सारे glands की functioning पे influence करती है. Next one is our next topic is puberty and adolescence. You have read that humans can reproduce only after achieving sexual maturity. The stage of life when the body becomes capable of reproduction is known as puberty. Any people, okay? देखिए, puberty जो age होती है, in the previous chapter I had explained you about, in boys it is 11 to 16 years and in girls it is 10 to 15 years. तो जब भी रिप्रोडक्शन के कैपेबल कोई भी ह्यूमन हो जाता है तो वो एज क्या होती है? प्यूबर्टी. ओके, हाउ एवर द पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये जो एज रिलैक्सेशन हो सकता है मे वी डिफर फ्रॉम वन टू अनदर.
When a child reaches puberty, he she becomes adolescent. जब भी कोई भी child puberty की age पे पहुँचता है, it is called, वो क्या कहलाता है? Adolescence. Okay? It continues until the age of 18 or 19 years. ये age of adolescence 18 to 19 years चलती है और after which there is no further growth in the body. इस age के बाद आपके body में कोई भी growth नहीं होती. Mostly, okay, exceptional case भी कुछ होते हैं जिनमें हो जाती है. During adolescence, the body undergoes several changes. These changes mark the onset of puberty. और इस एज में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिलते हैं जिसको हम प्यूबर्टी एज कह सकते हैं. द बिगिनिंग ऑफ द बॉडीज जर्नी टू बिकमिंग एन एडल्ट प्यूबर्टी एंड्स विद द एडोलसेंट रीचिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. बॉडी की जो एडल्ट होने की जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ प्यूबर्टी और प्यूबर्टी में आने वाला कोई भी चाइल्ड एडोलसेंस कहलाता है. Changes at puberty is our next topic that we will continue in the next video. Till then, keep revising the same. Keep learning. Bye-bye. Take care. Have a good day.